तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 3 पिन इंडस्ट्रियल प्लग एंड सॉकेट का कनेक्शन बताने वाला हूँ। इस वीडियो की सहायता से आप इस टाइप के जो प्लग होते हैं या फिर सॉकेट होते हैं, इसका कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉकेट को देखते हैं। यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपको 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। देखिए एल वाले फेस और दूसरे वाले पे न्यूट्रल सप्लाई, और ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। यहाँ पर अर्थिंग का सिंबल भी बना हुआ है, तो इस टाइप से इसका कनेक्शन करना होता है। और यहाँ पर हमें प्लग में भी सेम वैसे ही कनेक्शन करना। आपको ऊपर वाला जो पॉइंट दिखा रहा है अर्थिंग का, और नीचे वाले 2 टर्मिनल होते हैं फेस और न्यूट्रल सप्लाई के लिए। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर स्क्रू अंदर लगे होते हैं, इसको यहाँ से खोल लेना, तब ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसके कनेक्शन करने देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर सॉकेट में जैसे कनेक्शन होता है, वैसे ही इस प्लग में भी कनेक्शन होता है। जैसे 3 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे के ये 2 टर्मिनल जिसमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है, ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो अर्थिंग का होता है। अगर आपके यहाँ पर अर्थिंग आ रही तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो इसमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन भी करना है। सबसे पहले हम सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया जो सॉकेट था हमारा, इसमें जो 3 टर्मिनल है, अगर आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग सप्लाई, तीनों वायर को इसमें कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर अर्थिंग वायर को हम सबसे ऊपर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि ग्रीन वाली वायर होती है। रेड वाली वायर को एल टर्मिनल पे, जो कि फेस सप्लाई के लिए होती है। ब्लैक वाले को जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है उस पर कनेक्ट करना है, जिसमें एन लिखा होता है। तो इस टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ MCB को कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ कैसे करना है, ज़्यादातर क्या है MCB के साथ कनेक्शन होता है इसका। तो इसके कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको 3 कोर वायर दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या करना है, एक रेड वायर ले लेना है। रेड वायर हम ज़्यादातर फेस सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसे फेस सप्लाई मान लेते हैं तो हमें क्या करना है, MCB के नीचे वाले पॉइंट में इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इस वायर को मैंने इस नीचे वाले MCB के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। तो देखिए हमारी एक वायर कनेक्ट हो चुकी है। इसके साथ में एक और वायर का टुकड़ा लेना, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया। इसे क्या करना है, इस MCB के ऊपर टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। इससे क्या होगा, ये जो सप्लाई है, फेस सप्लाई है, वो MCB से होते हुए जाएगी। और यहाँ पर देखिए 3 वायर हमारे दिखाई दे रहे हैं और 3 टर्मिनल हैं। तो हमें क्या करना है, इस रेड वाली वायर को जो हमने MCB के ऊपर वायर टर्मिनल पे लगाया था, इसे हमें L वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने इस रेड वाली वायर को L टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, और इसी के साथ 2 वायर और बचे हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो सप्लाई है MCB से होते जा रही है, और यहाँ पर हम ब्लैक वाली वायर को नीचे वाले दूसरे वायर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फेस और न्यूट्रल सप्लाई थी, यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है सॉकेट में। अगर आपके यहाँ पर अर्थिंग आ रही है तो इस ग्रीन वाली वायर को ऊपर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, अगर नहीं आ रही तो इसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस अर्थिंग वाली वायर को मैंने ऊपर वायर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो इन तीनों वायर का कनेक्शन था वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम MCB को ऑन करेंगे तो क्या है, फेस सप्लाई इस नीचे वायर टर्मिनल से होते हुए ऊपर टर्मिनल पर आएगी और इस सॉकेट में पहुँच जाएगी। और इसी के साथ में जो यहाँ पर न्यूट्रल वाली वायर वो पहले से कनेक्ट है डायरेक्ट, और ग्रीन वाली वायर भी डायरेक्ट कनेक्ट है। और यहाँ पर जो इसका कनेक्शन तो हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर जो दूसरा टर्मिनल है जिसमें हमें मेन सप्लाई कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर इस वायर को छील लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके वायर को मैंने छील दिया है। अब यहाँ पर इस प्लग का भी कनेक्शन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके भी 3 टर्मिनल है, नीचे वाले फेस और न्यूट्रल के, ऊपर वाले अर्थिंग का। तो इसे कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर बल्ब होल्डर ले लिया, जिसमें 2 वायर कनेक्ट हो रखे हैं, जिसमें एक वायर हम इसमें क्या है, एक फेस सप्लाई चाहिए, एक न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। तो इन दोनों वायरों को हमें क्या करना है, नीचे वायर टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। किसी वायर को किसी पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वायर को इसके अंदर से निकाल देना है ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर इन दोनों वायर को अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर क्या करना है, इस ब्लैक वाले वायर को हम पहले वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर N लिखा तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले टर्मिनल में मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। आप दोनों में से किसी भी टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक वायर को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर येलो वाली वायर को मैं दूसरे वायर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले जो इसमें टर्मिनल थे, दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। और ऊपर वाला, अगर आपके इसमें 3 वायर है, 3 कोर वायर है, तो आप अर्थिंग वाली वायर को ऊपर टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कोर की वायर थी, इसीलिए मैंने नीचे वायर टर्मिनल पर कनेक्ट किया। यहाँ पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 2 स्क्रू निकाले थे इसको लगा देते हैं ताकि यहाँ पर ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, और इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये टाइट हो चुका है, जो इसका कनेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो इसका कनेक्शन था बहुत ईजी था। तो इस टाइप से कनेक्शन करना होता है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है। अब यहाँ पर इसके इनपुट सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर इसे इस एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए नीचे वाले दोनों टर्मिनल पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी, ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है अर्थिंग का होता है। देखिए ग्रीन वाली वायर को मैंने ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा दिया है। अब यहाँ पर इनपुट सप्लाई मिल गई है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो इसका प्लग है इसको हम इसमें लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे प्रॉपर लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। अब हम इसकी एमसीबी को ऑन करके चेक कर ले। देखिए यहाँ पर जो फेस सप्लाई है इससे कनेक्ट है एमसीबी से। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने एमसीबी को ऑन किया यहाँ पर बल्ब जलने लगा था। देखिए दोबारा चेक करते हैं। देखिए जैसे मैंने एमसीबी ऑन किया यहाँ पर जो बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब हमारा जो सॉकेट और प्लग का कनेक्शन है वो हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।